गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम SST का लेसन सेकंड कर रहे हैं। इसकी मैं 6 वीडियो डाल चुकी हूँ। 6 वीडियो में मैंने यहाँ तक करवाया है। अब ये 7th वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा 3rd स्टेट है मेघालय, इसके बारे में करने जा रहे हैं। मेघालय मीन्स अबोड ऑफ क्लाउड्स। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर, मेघ बादल आलय घर। इसी तरह से इंग्लिश में इसे कहते हैं अबोड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का घर। इट्स गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन दी कंट्री। यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी देश में अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से राज्य में होती है, तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। द ट्राइबल पीपल लिव हेयर आर फ्रॉम गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स। यहाँ पर जनजाति के अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे ट्राइब गारो खासी एंड जयंतिया। दी ग्रो राइस जूट पोटैटो शुगर केन पाइन एप्पल्स एंड ऑरेंज। यहाँ के जो लोग हैं खेती करते हैं, वो क्या उगाते हैं खेतों में, राइस जूट पोटैटो आलू शुगर केन गन्ना पाइन एप्पल अनानास एंड ऑरेंज। शिलोंग इज़ द कैपिटल सिटी एंड अ पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ मेघालय। जो शिलोंग है यहाँ की राजधानी है, और शिलोंग ही यहाँ का क्या है, फेमस हिल स्टेशन है। इसके बाद आता है नंबर 4 पर स्टेट मिजोरम। द वर्ड मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ द हिली पीपल। मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की धरती। आइजोल इज द कैपिटल सिटी। जो आइजोल है वो यहाँ की राजधानी है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपल। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है, कृषि है। मोस्ट मिजोर्स नो हाउ टू रीड एंड राइट। ज़्यादातर जो लोग हैं मिजोरम के, वो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। मोस्ट ऑफ देम रीड इंग्लिश, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा 5th स्टेट नागालैंड। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़ कोहिमा। जो नागालैंड है वहाँ की जो राजधानी है वो कोहिमा है। राइस मेज मिलेट्स एंड ऑरेंज आर ग्रोन हेयर। राइस चावल मेज मक्की मिलेट्स बाजरा एंड ऑरेंज संतरे यहाँ पर उगाए जाते हैं। द नागाज वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। जो नागाज लोग हैं, यानी नागालैंड के जो लोग हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन के शॉल्स पहनते हैं। नागा पीपल आर अकस्टम टू एक्सपोजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ शॉल। जो यहाँ के जो नागा लोग हैं वो अपने पारंपरिक संस्कृति के जो इनके शाल हैं उनको उनको पहनकर प्रदर्शन करने के आदि हैं। इसके बाद आता है हमारा 6th स्टेट असम। रिवर ब्रह्मपुत्र हैज़ मेड असम वेरी फर्टाइल। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसने असम राज्य को बहुत ही उपजाऊ बना रखा है। यहाँ पर क्या है, खेती बहुत अच्छी होती है। राइस एंड जूट आर दी मेन क्रॉप्स। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या उगाते हैं, राइस चावल एंड जूट को उगाते हैं। टी इज़ ग्रोन ऑन दी लोअर स्लोप्स ऑफ दी हिल्स। लोअर स्लोप्स होते हैं निचले ढलाने, सीढ़ीनुमा जो खेत होते हैं वहाँ पर, ऊपर से नीचे की तरफ, वहाँ पर ज़्यादातर क्या की जाती है, किसकी खेती की जाती है, चाय का उत्पादन किया जाता है। दिसपुर इज़ दी कैपिटल एंड गुवाहाटी इज़ दी लार्जेस्ट सिटी। दिसपुर वहाँ की राजधानी है, और जो गुवाहाटी है वहाँ की क्या है, सबसे बड़ा शहर है। दी पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक असामीज। यहाँ के जो लोग हैं वो असामिया बोलते हैं, असामीज बोलते हैं। दे सेलिब्रेट बिहू, और वो बिहू को, उनका जो प्रमुख त्यौहार है वो बिहू है। इसके बाद आता है हमारा 7th त्रिपुरा। त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। जो त्रिपुरा है उसे तीनों ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। अगरतला इज़ दी कैपिटल सिटी। यहाँ की जो राजधानी है वो अगरतला है। राइस एंड जूट आर दी मेन क्रॉप्स। यहाँ पर भी जैसे असम में राइस और जूट उगाए जाते हैं, यहाँ की भी मेन फसलें क्या हैं, राइस एंड जूट। बाम्बू इज़ ऑल्सो ग्रेन हेयर। यहाँ पर बाम्बू बांस भी उगाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हस्त शिल्प की चीज़ें बनाने में जिसका यूज होता है। द रेंज एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की जो श्रृंखला है, यहाँ पर क्या होता है, ठंड अधिक होती है।
टूरिस्ट विजिट दी हिल स्टेशन इन दी समर्स, यहाँ पर लोग ज़्यादातर कहाँ कब आते हैं, गर्मियों के दिनों में घूमने आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।